Hey guys, welcome back. So this is Rohini Bhagat Gupta, aapki Your Steady Next Door. I have taken a decision. Okay, I am doing 75 hard challenge. So today is the first day and I this time मैं नहीं बोलूँगी कि ये मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट आई एम डेफिनेटली गोना कम्प्लीट दिस 75 हार्ड चैलेंज. एंड आप लोग को पता है 75 हार्ड चैलेंज क्या है? नहीं पता है तो आप लोग सर्च करिए, क्योंकि मैं अगर वो वीडियो ऑफकोर्स यहाँ पर दिखाऊँगी दैट वॉट इज 75 हार्ड, तो मुझे कॉपीराइट लग सकता है यार. तो इसलिए आप लोग कुछ सर्च करिए वॉट इज 75 हार्ड. चलिए नाउ सुबह हो गई है. आई हैव ब्रश्ड माई टीथ एंड नाउ हैविंग माई कॉफ़ी लेमन हनी ड्रिंक. अब मैं करूँगी 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज. ओके, सो टुडे विथ नो डिस्ट्रैक्शन, नो डिस्टर्बेंस, नो मस्ती, दिस इज लाइक प्रॉपर एक्सरसाइज. एंड ये पूरा कोई एक्सरसाइज वीडियो ही नहीं है. आई एम गोना शो यू कि आपको मैं आज मेरे फर्स्ट डे पर ऑफ 75 हार्ड चैलेंज में क्या क्या करती हूँ एंड व्हाट ऑल आई एम गोना ईट. एंड आई हैव टू ड्रिंक 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे. तो मैंने क्या किया है, मैंने 2 लीटर्स का एक बिस्लरी का बॉटल लेकर आई हूँ ताकि मेरे पास मेजरमेंट रहे कि मैं परफेक्ट 4 लीटर्स पी रही हूँ या नहीं. 2 लीटर्स एम्प्टी हो जाता है, उसके बाद आई अगेन रीफिल इट एंड अगेन हैव इट इन द ग्लास. इग्नोर इट. पहले तो सुबह उठकर स्टॉप इट. ओके, नो डिस्टर्बेंस टुडे आई सेड. सिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह उठकर तो पहले उठते उठते ही एक ग्लास वार्म वाटर पीना है. ओके, वो तो मैं नॉर्मली डेली करती हूँ बिफोर ब्रश ऑल्सो. एंड आफ्टर दैट आई ब्रश्ड माई टीथ एंड आई हैड माई कॉफी, कॉफी लेमन हनी का वार्म वाटर ड्रिंक. एंड नाउ आई एम गोना डू एक्सरसाइज ऑफ करेक्ट 45 मिनट्स. तो मैंने पूछा था बहुत से लोगों को कि मेरा वेट क्या है. सो दिस इज माई वेट एंड आई एम शॉक्ड टू सी बिकॉज एवरीबडी सेड इट्स 80 kgs. तो डेफिनेटली आप लोग को डिफरेंस दिख रहा है मुझ में बस ये कॉफ़ी हनी लेमन के ड्रिंक से. तो सोचिए अगर मैं प्रॉपर, मैं डाइट वगैरह नहीं कर रही हूँ लेकिन आई एम स्किपिंग फास्ट फूड फॉर 75 डेज. दैट्स अ बिग 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 डिसीजन. ओके, ओ माय गॉड, आई डोंट नो ये मैंने क्या सोचा, बट इट जस्ट हिट मी हार्ड दैट 75 हार्ड. वो वर्ड ही मुझे इतना हिट कर गया. मैंने बोला यार अब करना है, कोई बैकआउट नहीं. शी इज क्राइंग फॉर मी कि मैं ये करूँगी. करूँगी बेटा, करूँगी. चलिए शुरू करते हैं. What a day. Mind is blowing. Remember YouTube से ये फ्लास्क मिला था, आज इस पर पानी पीने का टाइम आ गया.
ये देखो ये है वो 2 लीटर की बिस्लरी, अब इसी में से पानी लेकर वार्म किया एंड इस फ्लास्क में डाला। सो यहाँ पर डिग्रीज दिखा रहा है, इट इज दिख रहा है क्या 57 डिग्री, पानी वार्म है अंदर, इसलिए ये वाला पहले भी एक फ्लास्क आया था YouTube से, बट उसमें कुछ ऐसा टेम्परेचर इन ऑल का नहीं है, सो हैविंग माई वार्म वाटर। अब करते हैं नाश्ता। सो आई एम डन विद माई बाथ एंड पूजा, नाउ मेकिंग ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स। तो इनको मैंने 2 दिन पहले भिगाया था एंड देन रात भर रखने के बाद थोड़े थोड़े से इसमें मोड़ आने लगे हैं, तो ये बनाएंगे वेरी सिंपल, नॉट सो शैगी समथिंग, लिटिल बिट ऑफ ऑयल, राई, जीरा, चिलीज, टमेटोज, सॉल्ट, हल्दी, मसाला और स्प्राउट। ये मेरा बचपन का सबसे फेवरेट सैलेड काइंड ऑफ बाउल होता था। मेरी मौसी को मैं हर 2 दिन में बोलती थी कि मुझे स्प्राउट्स का ये खिला दो, वेरी सिंपल बट हेल्दी। कुक नहीं करना है इसे, बस टॉस करना है, तभी वो आपको क्रंचीनेस मिलेगा। एंड ज़्यादा कुक करोगे तो उसका पूरा प्रोटीन उसमें निकल जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, ओए मेरे बॉटल से ऐड करना चाहिए था पानी 4 लीटर में से। इट्स डन, हियर्स माय ब्रेकफास्ट, एक्साइटेड। बस प्रे करो कि मैं 75th डे के दिन भी इसी एक्साइटमेंट के साथ रहूं। आई ऑल्सो एडेड अ लिटिल बिट ऑफ दही, इट विल गिव यू अ वेरी इंटेंस टेस्ट, आई गारंटी। वाह, मज़ा आ गया। इट इज़ लंच टाइम एंड गाइस आई वुड रियली लाइक टू से कि जो हमें कहा गया है ना कि पानी पियो स्किन क्लियर होगी, मैंने लिटरली वैसा नहीं कि बाबा पीना है 4 लीटर तो भाई ज़बरदस्ती पियो ही पियो, बट एक बार वो लग जाता है ना तो प्यास लगने लग जाती है। एंड मैं अब तक 3-4 बॉटल्स इसके कम्प्लीट कर चुकी हूँ, मतलब मेरा ही वो तो 2 लीटर्स तो मेरा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। एंड आई वुड लाइक टू शो यू माई स्किन सुबह से अभी तक, आफ्टरनून तक, इट्स द डिफरेंस, मिरेकल डिफरेंस। आई वुड लाइक टू शो यू, सी, होप यू आर एबल टू सी इट। छोटे छोटे ना यहाँ पर पिंपल के दाने जैसे आए थे मुझे, एंड इट्स वैनिश्ड, इट्स वैनिश्ड। मैंने लिटरली मिरर में देखा तब मैं शॉक्ड हो गई लिटरली इस चीज़ में, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मेरे 75 हार्ड चैलेंज में लंच में क्या खा रही हूँ। सो हियर इट इज़, दिस इज स्प्रिंग अनियन की सब्जी, घर पर बनी है दाल, घर पर बनी है राइस, घर पर बना है एंड 2 चपातीस, तो सब कुछ होममेड, इट इज़ विजिबल ना, गिरना जाए। हियर इट इज, दाल, चावल, सब्जी, चपाती, अ होल मील। देखो कितनी अच्छी चपाती बनाती हूँ मैं, लेट्स हैव इट। कंफर्ट फूड जिसे कहते हैं वो है ये। हम ऑफकोर्स टेस्ट बर्ड्स के लिए फास्ट फूड एंड ऑल ये कहते हैं, लेकिन किसी को अगर डेली दिया जाए फास्ट फूड तो डेफिनेटली वो नहीं खा पाएगा, मैं खुद भी नहीं खा पाऊंगी, कभी कभार ठीक है, बट दिस इज द फूड जो हम डेली खाते हैं। एंड 75 हार्ड चैलेंज में तो फास्ट फूड तो मैं डायरेक्ट 75 के बाद देखूंगी, 75 डेज के बाद देखूंगी मैं फास्ट फूड को, चाहे वो गली मलाई हो, चाहे वो थम्सअप हो, चाहे पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, चिकन फ्राइज हो, मतलब बाहर के KFC वगैरह, फलाना ढिमकाना, शोरमा हो, मोमोज हो,
अब मैं नाम ले रही हूँ तो देन टू आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग बिकॉज पहली बार ऐसा कुछ मैंने अपने दिल से ठाना है कि ठाने वाला ठाना नहीं दिल से मैंने एक्सेप्ट किया है दैट आई हैव टू डू दिस. आई नो आप लोग को लग रहा होगा यार अभी तो पहला दिन है बड़ी बड़ी बातें तो होंगी, लेकिन इस बार मैं ये नहीं बोलूँगी कि चलो देखते हैं कैसा होता है. चैलेंज है 75 डेज के बीच में अगर मैं कभी भी कोई भी गलत चीज़ करती हूँ, जैसे गलती से भी या मूड किया क्रेविंग हुआ और कुछ बाहर का खा लेती हूँ, देन अगेन उसके अगले दिन से इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1. दैट्स व्हाई मैं ये बैर नहीं कर सकती क्योंकि 2.5 महीने हैं मेरे हाथ में, थोड़ा बहुत तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चाहिए. क्योंकि 75 हार्ट चैलेंज में उन्होंने कहा है कि मतलब आप पहले दिन पर अपना फ़ोटो ले लो क्योंकि आप 75 डेज के बाद आप खुद को पहचानोगे नहीं. सो लेट्स सी. चलिए नाउ विल एंजॉय माय लंच एंड देन अब से मैं रात को 9 o'clock से पहले ही डिनर कर लूँगी. तो मैं डिनर में क्या खाऊँगी वो भी आपको दिखाऊँगी. बाकी हाँ दिन भर जो करना है आप जो करना है वो करिए. ओके मैंने 2-4 डांस वीडियोस बना लिए एंड देन अभी मैं बैठी हूँ लंच करने के लिए. नॉर्मली तो वीडियोस एंड ऑल बनाने के चक्कर में लंच रह जाता है, स्किप हो जाता है, ब्रंच हो जाता है, लेकिन नाउ आई एम गोइंग ऑन अ पर्पस कंसिस्टेंसी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर. ओके चलिए आपकी टेडी पतली टेडी शायद से दिखेगी कभी तो So let's have dinner. ये तो आपको पता ही है ये वाला सैलड आलिया भट्ट का फेमस सैलड है, बीटरूट दही सैलड. द कलर इज सो ब्यूटिफुल यार, सो ब्यूटिफुल. वाओ यार गाइस, अगर ये चैलेंज इतना टेस्टी होने वाला था तो यार मैं कब तक कर लेती. यू नो मुझे मेरे टेस्ट बर्ड्स को नाराज करने की जरूरत नहीं है. दैट मॉर्निंग का स्प्राउट्स, दोपहर का वो घर का बना लंच, सब टेस्टी तो खा रही हूँ मैं, कोई बेस्वाद या कड़वी चीज़ थोड़ी ना खा रही हूँ. और ये दिस इज द बेस्ट डिश, बेस्ट. वाह मज़ा आ गया यार. यू नो क्वांटिटी प्रोपोर्शन जब कम होता है ना, एक्चुअली मैंने कहीं पर देखा था कि जब आप छोटे प्लेट में खाते हो तो वो आपको भरा हुआ दिखता है तो आपको और लेने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जब आप बड़े प्लेट में खाते हो आप उसमें तो जितना क्वांटिटी आप छोटे प्लेट में ले रहे हो उतना ही उसमें लो, लेकिन वो स्पेस ज़्यादा है ना तो आपको और लेने की इच्छा होती है. इसलिए हमेशा अपना जो फूड वाला प्लेट है उसका साइज़ छोटा रखिए, साइज जो क्वांटिटी प्रोपोर्शन है खाना खाने का वो एकदम लेवल में रहेगा. मज़ेदार है यार ये चीज़, मज़ेदार है. आलिया भट्ट थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस दिस योर फेवरेट बीटरूट एंड दही सैलड लिटरली. मज़ा आ गया जो कलर इसका आता है. 9 बजने से पहले ही मैं खा रही हूँ, अब से हैबिट लगा रही हूँ कि सेम टाइमिंग तो नहीं रखूँगी 8:30 to 8:30 और 9 तो ना ऐसा नहीं, लेकिन 9 बजे से पहले. तो मैंने यहाँ पर एक छोटा फुल बीटरूट लिया है, मेरे पास छोटा था, अगर बड़ा लेती तो हाफ लेती. आज का अपडेट है कि मुझे दिन भर में कोई भी ऐसी आलतू फालतू क्रेविंग नहीं हुई, आई वॉज एकदम माइंड सेट था एंड स्टमक वॉज ऑल्सो सेट. एंड जबकि आज सुबह नाश्ता किया 10 बजे करेक्ट 1:30 बजे आफ्टरनून के टाइम पर भूख भी लगी तो इसलिए खाना भी खाया लंच एंड देन अभी बीच में कोई क्रेविंग नहीं. मैंने बस शाम को चाय तो आप लोग को पता है मैं पीती नहीं हूँ तो उसकी जगह जो मेरा कॉफ़ी यानी लेमन का ड्रिंक है वो पिया इवनिंग को एंड देन अभी 9 बजने से पहले इसकी ख़त्म करना है. चलिए गाइस मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ एंड आप लोग को गुड नाइट मैं अभी ही बोल देती हूँ क्योंकि मेरा मैंने मोटिव रखा है कि भाई जिस दिन का वीडियो बन रहा है उसी दिन अपलोड होना चाहिए ताकि स्किप ना हो मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डे ऐसा. एंड हर दिन आपके लिए 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो आएगा
कि क्या अपडेट है एंड देन मुझ में क्या डिफरेंस है. बट एवरी 5 और एवरी 10 डेज के बाद इस रिलेटेड 75 हार्ट के बारे में अपडेट का एक लॉन्ग वीडियो आएगा एवरी 5 और 10 डेज. ओके, बाकी आपको 1 मिनट का शॉर्ट एवरी डे देखने को मिलेगा. डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 75 एंड देन वी विल सी व्हाट वी अचीव्ड. आई मीन वी विल सी व्हाट आई अचीव्ड. हैप्पी गुड़ी पड़वा वंस अगेन. हाँ, और आज तो नवरात्रि भी तो चालू है, माता जी कृपा तो बनाए रखेंगे, है ना. देखिए कितना शुभ दिन है यार, कितना शुभ दिन है. एक्चुअली 3 दिन पहले से मैं कल करती हूँ स्टार्ट, लेकिन सुबह किसी ना किसी वजह से वो मिस आउट हो जाता था. बट ये अपना गुड़ी पड़वा के दिन एंड नवरात्रि के पहले दिन पर ही स्टार्ट होना था, तो सब कुछ चंगा है जी, चंगा. अब चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल योर स्टडी नेक्स्ट डोर. ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट मैं जब भी किसी वीडियो के साथ आऊँ तो आपको सबसे पहले पता चले. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो कि चलो यार बेट करो, इस चैलेंज को मैं पार करूंगी या नहीं. जीतेंगे तो वही लोग कि जो हाँ में करेंगे, बाकी मेरे को पता है. चलिए मिलते हैं, बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय टेडी एंड्स, गुड नाइट, शब्बा केयर, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, बाय टेडी एंड्स, एंजॉय.